हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसको हम इंटरप्राइज सिस्टम भी बोलते हैं ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के जो टास्क होते हैं उससे रिलेटेड ताकि जो भी आपको सॉफ्टवेयर की नीड है आप उसको फुलफिल कर सकें उसका यूज़ करके तो ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज हो सकते हैं मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम इन सॉफ़्टवेयर को बना सकते हैं कस्टमाइज़ कर सकते हैं इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम को जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज बिजनेस होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ये बिज़नेस को स्मूथली चलने में उनकी हेल्प कर सकें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से उनको अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकें नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम हर बिजनेस को नीड होती है कि उनका जो मैनेजमेंट हो वो बहुत अच्छा हो ईएमएस अभी रिसेंटली ट्रेंड में आए हैं ई सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जो कि डिफरेंट टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो ये सॉफ्टवेयर पर्सोनल्स को भी मैनेज करने में मल्टीफैक्ट बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन अप्लीकेशन का यूज़ करते हैं उन बिजनेस के लिए जो कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में फैले हुए हैं तो ई एम एस सॉल्यूशन है ये सपोर्ट करता है बिजनेस के फंक्शंस में लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्रोसेसिंग में बजटिंग में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सेल्स एक्टिविटी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो ई एम एस होता है या इंटरप्राइज सिस्टम होता है इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत हाई कॉस्ट होती है तो जो स्मॉल या मीडियम साइज़ के बिजनेस होते हैं वो इन सॉफ़्टवेयर का यूज़ नहीं कर पाते उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता पर जो लार्ज बिजनेस होते हैं उनके लिए इसका यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल होता है नेक्स्ट टाइम रखते कि क्या टाइप्स होते हैं ई के फर्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ़्टवेयर है जो कि बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करता है कि क्या एग्जिस्टिंग और क्या पोटेंशियल कस्टमर्स है सी आर एम एनेबल्स करता है बिजनेस को कि वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सके उनके परचेसिंग बिहेवियर को जाने कैसे वो इनफॉर्मेशन का यूज करते हैं और कैसे वो क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बिजनेस मार्केटिंग प्लान की और सेल्स फोरकास्ट की तो अल्टीमेटली गोल होता है सीआरएम का कि इंश्योर करते हैं जो भी बिजनेस है वो कनेक्ट रहे कस्टमर के साथ में कर सके अपनी रहेफिशियंसी को बिजनेस प्रोसेस में और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं मतलब जो सी होता है एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप बिजनेस के इंटरेक्शन को देखते हैं कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो पोटेंशियल कस्टमर को आपको कैसे मार्ग मैनेज करना उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना उनके परचेस बिहेवियर को जाना है मार्केट प्लान बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम इन सारी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ई नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये सॉफ्टवेयर इफिशियंटली मैनेज करता है सप्लाई चेन की एक्टिविटी को लाइक like प्रोडक्ट का डेवलपमेंट प्रोडक्शन मटेरियल की सोर्सिंग और क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जिनको कि आपको कोऑर्डिनेट करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ में तो इसका एम होता है कि बिजनेस प्रोवाइड करता है कि क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं इसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट होता है जब भी आप रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं और फाइनली जब आप डिलीवर करते हैं उस प्रोडक्ट को वो पूरी प्रोसेस होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो ये उस पूरी प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है नेक्स्ट आता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये सिस्टम इंटीग्रेट करता है कि क्या डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अप्प्लीकेशनस है जिसमें आप देखते हैं फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट परचेसिंग तो ई आर पी एनेबल्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो देख सकें कि डुप्लीकेसी ना हो डिस्क्रिपेंसी ना हो जो भी वो डेटा है वो उसको ईजीली एक्सेस कर सकें और शेयर कर सकें मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट परचेज में सारी चीज़ों में आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल लाइक कस्टमर एक्सीलेंस हम समझते हैं कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हम उनको ऑप्टिमाइज करते हैं उनकी जर्नी को कंटिन्यूसली उनको लेके जाते हैं कि कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर सकें जो भी आप उनको चीज़ें दे रहे हैं उसको यूज करके वो खुश रहे तो आप इसमें यूज करते हैं इंटेलिजेंट एनालिसिस एल्गोरिथम का जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिपेंडेंसी को कैजुअलिटी को क्या रीज़न है जिससे कि कस्टमर्स अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुए थे तो आप उन रीजनस पे काम कर सकते हैं और ऑप्टिमम तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और कस्टमर एक्सलेंसी को आप अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं ई के फर्स्ट आता है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है बूस्ट करता है डिसीजन मेकिंग को इनक्रीज करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है बिजनेस की प्लानिंग को इम्प्रूव करता है डेटा एक्यूरेसी को बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को प्रोवाइड करता है रिड्यूस करता है रनिंग कॉस्ट को और इंक्रीज करता है डेटा की सिक्योरिटी को तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं ईएमएस के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एम से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं थैंक यू